अरे नाउ कीप साइलेंस दैट इज स्टीम इज Fe प्लस H2O बात ना करें दिस इज सॉलिड तो Fe 3O4 प्लस H2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 4 ओके दिस इज S सेकंड देखो बात ना करो बात नहीं करो दैट इज फेदर सल्फेट इज हीटेड सो FeSO4 सॉलिड इफ इट इज हीटेड देन Fe2O3 तो ये रेड कलर का होता है फेरिक ऑक्साइड जो इसे फेरिक ऑक्साइड ना लिखना चाहे वो आयरन 3 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डी ब्लॉक का इसलिए इसकी वैलेंसी लिखनी जरूरी है हमें नीचे लिखना जरूरी था हाँ जरूरी नहीं है आपने रिएक्शन लिखी तो पूरा है लेड नाइट्रेट इज हीटेड सो Pb NO3 होल ट्वाइस सो PbO लेड ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होगा ठीक है और इसको लिथार्ज जो भी कहते हैं और ये लेड नाइट्रेट है सो दिस गिव्स अस NO2 प्लस O2 तो यहाँ 2 लिख दें 4 NO2 अच्छा 2 लिख दें और ये 4 हो गया नाउ कॉपर वायर इज डिप इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन सो AgNO3 प्लस कॉपर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी सो हमें क्या बनेगा इसमें भी दे दिया CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag डिस्प्लेस हो जाएगा तो यहाँ पर 2 लिख दिया ये ब्लू कॉपर नाइट्रेट कॉपर 2 लिखना जरूरी है जो कॉपर 2 ना लिखना चाहे वो क्यूपिक नाइट्रेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे अब देखिए दैट इज कॉपर वेसल इज हीटेड ओवर फ्लेम Cu प्लस O2 2CuO ये ब्लैक कलर का क्यूप्रिक ऑक्साइड जो क्यूप्रिक ऑक्साइड ना लिखना चाहे वो कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं ठीक है अब देखो नाउ अच्छा 2 लिख देते हैं नाउ अब देखो सिल्वर ब्रोमाइड तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है जिसमें कि ये अगर इसका उपयोग पूछा जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए Ag प्लस Br इसी के नाम पे सिल्वर स्क्रीन अवार्ड भी दिया जाता है Ag प्लस Br2 इससे पता चलता है ये ब्लैक हो गया है और जबकि ये किस कलर का है व्हाइट और इस पर सनलाइट जो सनलाइट ना लिखना चाहे वो Hnu भी लिख सकते मैंने गलती से हीट डाल दी हां सनलाइट लिखना है ये गलत हो जाएगा चलो ओके ओके कोई बात नहीं अब आगे देखो इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन वाटर किसी किसी ने H+ और O- भी लिखा है ऐसे लोग भी हैं नाउ जी तो H2O इलेक्ट्रोलिसिस तो दैट इज H2 प्लस O2 और ये H नहीं मिलेगा जहां H+ जाता है वो कैटायन होता है तो कैथोड और एट एनोड एच मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसे कि हमने आपको बताया ये इसका एक अयस्क है दैट इज ओर MgO2 MnO2 ठीक है पाउडर होता है ब्लैक कलर का सो MnO2 को अगर हम HCl एक्वियस में डालेंगे तो द्विआंशी क्या क्या बनेगा इसमें बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 H2O कंफर्म कर लो ये विद्वान सर पता नहीं मैंने क्या देखा H2O सही बता रही है रोहांशी इज वेरी करेक्ट क्योंकि O है ना तो अब यहाँ पे इसको सही करो 4 लिखो तो तुमने बहुत अच्छा काम किया आई लाइम स्टोन बोलो पीयूष CaCO3 अगर इसको हीट कर दो
बोलो CaO plus CO2 जिप्सम सौम्या जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो प्लस कहाँ से हो जाएगा CaSO4 इसका नाम है हेमी हाइड्रेट दिस इज POP दिस इज हार्ड मास जिप्सम बताना नहीं तो पता चल जाता है ना बोलो मुस्कुराने से पास कर जाओगी टेंथ बोलो CaSO4 को क्या कहते हैं CaSO4 plus 2H2O इसको कहते हैं बंड प्लास्टर डेड बंड प्लास्टर भी कहते हैं ठीक है नाउ कॉमन साल्ट यशिका कॉमन साल्ट इज मिक्स्ड कल बताया गया था परसों कॉमन साल्ट इज मिक्स्ड विद सल्फ्यूरिक एसिड बताइए बहुत अच्छा पियानी बहुत अच्छी बात ठीक है Now this is NaCl. तैयारी नहीं करते हैं ये भी नहीं कि नहीं आ रहा है तो भी पढ़ लें पिछली क्लास में नहीं आ रहा था तो भी आज इग्नोर करके आ गए H2SO4 तो क्या होगा HCl plus Na2SO4 Next is कॉपर मेटल इज केप्ट प्रोलॉन्ग इन एसिडिक एटमॉस्फेयर जैसा कि प्रवीण ने किया Cu इसको CO2 में भी रखिए वाटर भी रहेगा और O2 भी रहेगा इससे क्या बन जाएगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट दैट इज CuCO3 और CuOH होल ट्वाइस ग्रीन रस्ट तो ग्रीन रस्ट ना लिखना चाहें बेसिक कॉपर कार्बोनेट इसको देख लो ये पूरा बैलेंस्ड है तो कॉपर कार्बोनेट हो गया ठीक है देखो जिंक कार्बोनेट इज ये कॉपर का रस्ट है ग्रीन रस्ट जिंक कार्बोनेट इज हीटेड प्रियांशु बताओ O2 भी बड़ी बड़ी बात है ZnCO3 कैल्सिनेशन का प्रोसेस यही नहीं करोगे तो तीन नंबर का ही पहली लाइन है वही गलत करोगे तो हीट नो एयर या लिमिटेड एयर लिख दो हमेशा लिमिटेड लिखा जाता है बुक में तो ZnO प्लस इसका नाम बताओ साक्षी ये कौन सा और है ZnS होता है धार कम हो गई है चाकू में धार कराओ चलो CO2 इज पार्ज सुप्रिया टू लाइम वाटर रुक जाओ ये कच्चे लोगों का काम एकलव्य CaCO3 CA इधर का भी तो बताओ CaOH twice plus CO2 सही बता रहे हो CaOH twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O पीयूष शिरवी अगला बताओ सर CaCO3
CaOH होल ट्वाइस अपना CO2। जब तुमसे एक्सेस कहा जाए तो 2 ले लो, क्योंकि इसमें एक और CO2 जोड़ोगे तुम। हाँ मैंने ये जो समझ आया, या तो इस रिएक्शन में ही रिएक्शन कराओ। हाँ सर मैंने उसी में, और नहीं तो इसमें 2 जोड़ दोगे तो एक्सेस मान लिया जाता है। समझ में आई बात? तो बोलो अब इसे क्या लिख दें। बोलो CaCO3 + H2 + CO2 किया तो गलत नहीं है ना? गलत नहीं। अब इसी में फिर CO2 और जोड़ देना। तो ये कलरलेस है, दिस इज CaCO3, नाउ इट इज मिल्की व्हाइट। जबकि ये कैसा है? कलरलेस। चूने का पानी कैसा होता है? ओके, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट इज फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश के द्वारा खाना बनाने की विधि। तो CO2 + H2O 6 लेना, इसमें ज्यादा पानी लेना तो इससे क्या बनेगा? C6 + क्या होगा? CO2 यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट, इसका देखिए H2O मिलेगा। इसी को रिवर्स करके लिख दें, दैट इज C6H12O6 + 6H2O + 6O2, इट गिव्स 6CO2 + 12H2O। ये हमारी बॉडी में होती है, जितना पानी पीते हैं उसका डबल यूरिन बनता है, प्लस 38 ATP और इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके अब देखिए, करना पड़ेगा अमोनिया।
देखो ये मिथेनॉल बनेगा, दैट इज Fe3O4 प्लस H2, दिस इज नो रिएक्शन, दिस इज PbCl2 प्लस CuAg प्लस Cl2, यहाँ देखो Ki प्लस BaBr2, ध्यान दो ठीक है, जमा कर दो बाकी लोग जमा कर दे एक लगे, अब फिर नहीं तो लेट हो जाएगा। MgCl2 प्लस H2, ये देखो जमा करो एक लगे, F वाली बता देते हैं, देखो CaNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O
NaNO3 प्लस HCl जो नीचे बैठ जाएगा सॉलिड बनकर PPT। अगला देखो, ये देखो इनकी रिएक्शन कैसे होगी, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 इसको Na2ZnO2 प्लस H2, ये देखो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ये देखिए ये फिर तीसरी बार आई है आज, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 और ट्वाइस। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस में तीन चीजें बनेंगी, एक कैथोड पर और एक एनोड में और एक इलेक्ट्रोलिटिक बेड में बनेगी NaOH H2O Cl, ये कैथोड पे होगी एंड एनोड इन वेसल। हाँ बोलो, इसमें क्या पूछते हो? सब यही होगा ना, ये देखो प्लस H2O प्लस CO2 दैट इज CaOCl2 दैट इज क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ सोडियम का फार्मूला बताओ, बस ऐसे ही उठ के चली जाती है। ये क्या होगा प्रियांशु? CaSO4 2H2O। ये POP में पानी डालते हैं तो फिर से जिप्सम बन जाता है। ये जिप्सम बनने की प्रक्रिया है, POP पाउडर है। ये Al2O3 प्लस HCl, बताओ साक्षी। बोलो सुसृष्टि। Al2O3 प्लस 3H2O। Al2O3 Al2O3 को लगाई देंगे और बाकी HCl होगा, तो यहाँ 6 है H2O देखो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अगर हम मेटल ऑक्साइड में इसमें डालेंगे तो चूंकि ये एम्फोटेरिक है तो यहाँ एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ बेस से भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड इसीलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। तो क्या होगा NaAl2O2 और साथ में H2O, क्योंकि यदि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ बेस के साथ ये एसिड का कार्य कर रहा है और एसिड के साथ बेस का काम कर रहा है, दोनों ही केसेस में H2O रिलीज होगा, बैलेंसिंग आप कर लेना। अब Na2O प्लस H2O बोलो बोलो बोलो, अरे तो बोलो फिर से ना, जब बोला है तुम पहली बार तो बोली हो तो कुछ बोलो, तुम तू ही लगा देती, बोलो एक लग होल ट्वाइस लगा दी, जैसे कोई बहुत छोटी क्लास में हो, नाइन्थ के बच्चे गलती करते हैं तो सब हंस देते हैं। नाइन्थ के साथ बैठे तो हंसी हो ही। Al2 रोस्टिंग ऑफ सिनेबार बताओ। अच्छी बात है, बहुत HGS है, तुम इसको पाइरोलुसाइड से रिजेंबल कर रहे हो क्या लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पाइरोलुसाइड दिखाया था MnO2, बताया था कि पाइरोलुसाइड है, ये उससे इसको मिमिक्री कर रही है। उपराष्ट्रपति का पान अभी बताओ, दैट इज हीटिंग ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HGO को हीट कर दो, HG प्लस O2 बैलेंसिंग आप कर लेना, 2 लगा के इधर भी। ये देखो जिंक की मेटलर्जी तीन तरीके के है, कैलामाइन है, जिंक ब्लेंड है, तो पहले ZnCO3 की कर लेना, ZnS की कर लेना, इसको तो सिर्फ हीट करना और इसमें O2 के साथ, ये जिंक ब्लेंड है,
फिर वो तो इन दोनों से बनी जाएगा, उसकी करेंगे रिडक्शन। इन दोनों से क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2, और यहाँ क्या बनेगा? ZnO प्लस SO2। यहाँ अब ऐसा 2 लगा देना, यहाँ भी 2 लग, ऐसा होगा क्या? ZnO ये 3/2 कर लेना, तब हो जाएगा। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेना अपने आप, अभी हो गया कि नहीं? देखो 3 है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब दोनों में जिंक ऑक्साइड निकाल दिया तो कोक के साथ इसकी रिएक्शन करो। ZnO कार्बन के साथ तो Zn प्लस CO2, 2 रिएक्शन ऑफ कॉपर। तुम्हें मालूम है कॉपर पाइराइट और वी आर क्यूपराइट लो, दैट इज CuS, कॉपर ग्लांस कहेंगे, ठीक है? जैसे जैसे जिंक ब्लेंड है तो CuS, Cu2S। इसको क्या करो, ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करो तो क्या क्या बनेगा? तो Cu2O और प्लस, अब यहाँ 3O है तो यहाँ क्या लगा दीजिए? 3/2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस रिएक्शन में सारा CuS Cu2O में नहीं बदल पाता, तो इसलिए 2 हिस्सा बदल जाता है, एक नहीं बदल पाता। तो अगली रिएक्शन बुक में ही देख लो, Cu2S प्लस 2 Cu2O, तो बोलो क्या बनेगा? 6 Cu, उसे क्या कहेंगे बोलो? ब्लिस्टर कॉपर, उसमें बुड़बुड़े उठेंगे SO2 के, वो कुछ उसमें अरेस्ट हो जाते हैं ना, दैट इज 6 Cu प्लस, बहुत सारा निकल जाएगा लेकिन जो आखिरी CO2 है वो रह जाता है, इसलिए इस कॉपर का क्या नाम है? ब्लिस्टर कॉपर। जैसे किसी की ब्लिस्टर्स नहीं हो जाते हैं हाथ में। अच्छा आप देखो थर्मिट रिएक्शन क्या है, ये देखो थर्मिट रिएक्शन N, ये हो गया, दिस इज M, दिस इज L, हाँ जिंक ब्लेंड है ZnS और कैलामाइन है ZnCO3, नहीं सीने बाहर है HGS, एमलगम। अगर कोई मरकरी के साथ आप सोडियम मिला दो तो सोडियम बहुत बढ़ जाएगा, उसे सोडियम एमलगम। मरकरी किसी में मिला दो तो वो एक आयोडेक्स की तरह पेस्ट बन जाता है, उसे एमलगम कहते हैं। मरकरी से ही एमलगम बनता है, किसी भी मेटल को अगर रख दो मरकरी के साथ तो वो आयोडेक्स की तरह पेस्ट बन जाएगा। अब अगला देखो, दैट इज हर्मिट रिएक्शन, जैसा इन्होंने बताया प्लस Fe2O3, फिर इससे Fe एलिमिनेट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? Fe प्लस Al2O3 और हीटिंग ऑफ MnO2, ये इसकी मेटलर्जी है, तो क्या होगा? Al2O3 प्लस Mn, समझ आई बात कि नहीं? देखो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड में क्या करोगे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन करा दो, बुक में है ये सेकंड वाली, तुम्हें समझ आई? चलो आओ, ये सब बुक की सीरियली आने वाली रिएक्शन है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है, तो स्टार्टिंग से है यार बोल रहा ना, इतना ही। चलो जमा करो, एक तो स्लो है आपका काम, आप यानी भी जमा नहीं किया नहीं, ऐसे किसी को मत मारो, मोदी सरकार है। चलो जमा करो, डी देख लो, इथेनॉल टू सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम से रिएक्शन करा दो, CH3COOH, CH3C2H5OH में Na, तो C2H5, बी में क्या करोगे? उसमें दैट इज सी पे R लगा होता है,
देख लो ई रिएक्शन में CH3 CHO से तुम CH3 CHO कैसे बनाओ की साक्षी एनए से रिएक्शन करा दो और एच टू निकल जाएगा। अब देखो ये तो मैंने ई बताई, एफ देख लो इथेनॉल टू इथीन कैसे बनाओगी। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम इसको देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो OH, H और H और H, तो बोलो क्या होगा, क्या वाटर निकल जाएगा। यही तो CH3COOH है, बताओ क्या काम करेगा। इसको निकाल लो तो क्या होगा, CH2 double bond CH2 plus H2। बोलो बात समझ आ गई भाई, यही तो इथेनॉल है CH3CH2OH, वाटर निकाल दिया। इसमें बताओ एच में देखिए, अभी जी देखो फॉर्मेशन ऑफ इथाइल इथेनोएट, जी तुम्हें आती है एस्टरीफिकेशन, दैट इज CH3COOH plus HO C2H5। तो इसमें से क्या होगा, ये निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH3COOH C2H5। जो ऐसे ना लिखने ना चाहे वो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं। आई एक ही चीज ठीक है, ये इथाइल इथेनोएट है या एसीटेट है, जैसे सोडियम एसीटेट आयन है ना इधर वाला CH3COOH- कौन सा होता है और ये कौन सा आयन होता है, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। देखो ये डी, तो डी वाला भी देख लो, बताओ सोडियम इथॉक्साइड कैसे बनेगा पीयूष, तो C2H5 और इसी में एनए डाल दो OnA, तो ये सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2, इसको बैलेंस कर लेना। पहली दो रिएक्शन तुमको पता है, ये बुक की वैसी लिख देना, एक में अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 और दूसरे में क्या लिखोगे वेजिटेबल H2 डाल देना निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, निकिल और प्लेटियम, तो H2 जुड़ जाएगा ना डबल बॉन्ड, बता दें क्या सी। देखो फर्स्ट बता देना, ये देखो CH4 plus Cl2 और ये भी ये जो है उसमें होगी अल्ट्रा वायलेट में UV, इसमें होगी UV, तो CH3Cl प्लस H3। देखो ये फिर भी बता दे रहा है, चेक कर लो R alkyl पे इधर ध्यान दे, यहाँ क्या लिखे बताओ, निकिल कैटलिस्ट हो गया और 200 डिग्री सेल्सियस। अब इससे क्या कर दिया जाए, एक एच और आ जाएगा ना, यही है वनस्पति की डालडा या रथ H2O जोड़ दिया, यही तो हाइड्रोजनेशन है जो रखा जाएगा, हाइड्रोजन को जोड़ना ही तो ये है ना। सो इट हैज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन की क्या औद्योगिक उपयोगिता है। सो द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल, मूंगफली को तेल को ये वनस्पति घी में बदल देता है। क्या पहली रिएक्शन आप लोग लिख लोगे, देखो C2H5OH इसका ऑक्सीडेशन करो तो CH3COOH, साक्षी एक्स्ट्रा क्या लिखा जाए बोलो, C2H5Cr2 बैलेंस कैसे करोगे फिर,
ठीक है। H में सर इतना बता दो, NaOH और HCl दोनों से कराना है। GH, H क्या है? ये अंतिम बाजी है आज की, इसको पूरा कर लो। इथाइल इथेनॉइड ये दैट इज सी, देखो CHCCOO C2H5 है। बोलो इसको कैसे तोड़ोगे? डाइल्यूट NaOH ना, यही से बोनिफिकेशन या साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। आखिरी भी यही है, एल में भी यही लिखना है। देख लो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब वॉटर को तोड़ना, वॉटर को तोड़ना हाइड्रोलिसिस। तो CHCCOOH प्लस, अब देखो इधर ध्यान दो, गलत काम को तुम सामने आई, देखो बहुत ज्यादा हरकत कर रही हो भाई, तुम्हारी ब्रेन गड़बड़ है, दूसरे को खा उसको मार रही हो, पीट रही हो, कितना सही सर उसने साड़िया दो, तुमने साड़िया। इधर देखो यहाँ तक बात हो गई, अब आगे देखिए एक से कर देना H ऊपर लिखिए, बस इसी में वाटर से आप तोड़ लेना, बुक में ऐसे ही लिखा है तो हमने ऐसे लिख दिया। बोलो ई और आई, इथेनोइक एसिड और आई क्या है, इसको हटा दो। चलो अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये आप कर लोगे? तो उसको कैसे करोगे? फिर अलग बैठ जाओ ना, बीमार को सब मारते हैं, तुम पीछे बैठो। अब जरा देखो NaCHCCOO हो गया, और क्या हो गया, ठीक है। यहाँ देखो तो CHCCOO सोडियम एसीटेट, और क्या है इसमें बैलेंस कर लेना, बैलेंस की जरूरत नहीं है। चलो ये आ जाएगा, बुक में नहीं दिया तो हमने भी नहीं बुक में नहीं दिया ना, चलो होना चाहिए। यहाँ पे दोनों में एक साथ नहीं, मतलब अगर वो वन और टू करते करोगे तब ऐसे लिख सकते। चलो पीछे दे दीजिए, ये आएगा CO2 क्यों आएगा, वाटर निकलता है अब मिटा नहीं।